जय हिंद पास नमस्कार। सबसे बड़ी खबर ATAGS माउंटेड गन सिस्टम MGS भारतीय सेना को ऑफर पर। जी हाँ, MGS माउंटेड गन सिस्टम्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन RFI के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पिछले साल अप्रैल में बाय इंडियन IDDM बाय इंडियन के तहत 155mm 52 कैलिबर MGS माउंटेड गन सिस्टम्स के निर्माण के लिए संभावित भारतीय विक्रेताओं की पहचान करने के लिए मंगाई गई थी। यह खरीदे और बनाए बाय एंड मेक भारतीय खंड के रूप में। जी हाँ, कार्यक्रम में अपनी निजी क्षेत्रों के भागीदारों के साथ DRDO द्वारा 8x8 ट्रक बेड पर एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम्स ATAGS 155mm 52 कैलिबर हॉइजर की पेशकश की गई थी। ध्यान रखें, इंडियन आर्मी के लिए करीबी 814 यूनिट्स MGS माउंटेड गन सिस्टम्स की आवश्यकता है और इसे दिसंबर 2011 में DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा क्लियरेंस की आवश्यकता AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई थी, लेकिन तब से बहुत कम प्रगति हुई है। RFI रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का कहना है कि आर्टिलरी कायों के निष्पादन के लिए 155mm 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम्स को देश के उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ मैदानी पहाड़ों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तान इलाकों में नियोजित किया जा सकता है। भारतीय सेना ने एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड 60 सिस्टम्स के लिए कहा है, जो गन सिस्टम्स के स्थान को ओरिएंट एंड फिक्सेस करने की क्षमता रखती है, मतलब उन्मुख और ठीक करने की क्षमता रखता है। FCS में दिन और रात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फायरिंग प्रोवाइड करने की क्षमता भी होनी चाहिए। साथ साथ ये प्रोजेक्ट शक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। दी गई जानकारी के अनुसार ATAGS आधारित MGS का वेट 34 से 35 टन विथ ट्रक होगा, क्योंकि भारतीय सेना ने अपने RFI रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में वजन सीमा निर्दिष्ट नहीं की है और इस समय कोई स्पष्टता नहीं है जब DRDO परीक्षण और प्रदर्शन उद्देश्य के लिए MGS माउंटेड गन सिस्टम्स पर आधारित ATAGS बनाने की योजना बना रहा है।